ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बुधवार को हजारीबाग के मटवारी स्थित गांधी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिनों में दूसरी बार 2 अक्टूबर को झारखंड पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। वहीं उन्होंने हजारीबाग में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS का उद्घाटन किया और 25 EMRS की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कुछ दिन पहले सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अपने जमशेदपुर आगमन को याद किया। मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत झारखंड के हजारों गरीबों को पक्के मकान सौंपने का जिक्र किया। आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी आज की 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आदिवासी समुदाय के प्रति सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज की परियोजनाओं के लिए झारखंड और भारत के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जब आदिवासी युवाओं को शिक्षा और अवसर मिलेंगे तो आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। इसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में जुटी है। झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री जुअल ओराम जी, इसी धरती के संतान मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, दुर्गादास उनके जी, यहीं के हमारे सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाई और बहन, आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी, ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को
सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया गया है। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जन्म योजना भी लॉन्च हुई। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जन्म योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जन्म योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनधन योजना के अंतर्गत भी करीब 1,350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था।
और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। यानी कि देखा जाए तो हजारीबाग में पीएम मोदी ने लोगों की लॉटरी निकाल दी है, मगर जनता झारखंड में किसका साथ देगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।